ओम वंदेगा मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं एक अखरोट के एक योग के विषय में। मित्रों, अखरोट का आकार जो उसकी बनावट है वो हमारे मस्तिष्क जैसी होती है। अखरोट हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी है। मित्रों, ये ब्रेन को, ये मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। इसके आकार से, इसके गुण से वो बात पता चलती है। अखरोट के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, लेकिन कुछ मैं आपको यहाँ वो सब ना बता के कुछ अलग बता रही हूँ, कुछ और बता रही हूँ। मित्रों, अखरोट की गिरी निकाल लीजिए। आप 4 से 5 दिन के लिए जो गिरी इस्तेमाल करेंगे आप उसको पीस के रख सकते हैं, उससे अधिक पीस के ना रखें क्योंकि उसके गुण खत्म होने लगते हैं। मित्रों, तो वो गिरी पीस के रख लीजिए और इसको आपको क्या करना है, रोज अपनी सामर्थ्य अनुसार, आपकी दैहिक सामर्थ्य अनुसार आप उसकी 1 से 3 चम्मच गिरी लेके उसके ऊपर गुनगुने से थोड़ा गर्म, अधिक गर्म ना लें, गुनगुना होगा तो भी चलेगा, गुनगुना दूध ऊपर से पी लें। ये आपके मस्तिष्क को अच्छा बनाएगा, ये आपके जोड़ों के दर्द को अच्छा करेगा, ये आपके धातु रोग में भी फायदा करेगा, ये यूरिक एसिड बढ़ने से रोकता है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और स्वप्न दोष, दैहिक दुर्बलता, धातुपात होना, शीघ्र पतन जैसी कई समस्याओं का ये अकेला समाधान है। मित्रों, और स्त्रियों में जो शारीरिक कमजोरियां होती हैं, पुरुषों में जो होती हैं, उनको सबको ये ठीक करता है। मित्रों, तो यदि आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग अवश्य करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यदि आप मात्र इससे ठीक होना चाहेंगे तो संभव नहीं है अकेला। हाँ, काम करेगा, लेकिन ये अकेला जो काम 6 महीने में या 3 महीने में करेगा, यदि आप इस वीडियो के विवरण के वीडियो देखें, उनके अनुसार नियम पालन करें, भोजन का नियम, पानी का नियम और नाक में तेल आदि डालना, उसके बाद प्राणायाम करें, तो वही काम आप 1 से 1.5 महीने में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब सारी चीजें सही मिलती हैं तो काम जल्दी होता है। और यदि आप सोचें कि भाई हम एक करके ठीक हो जाएंगे तो आपको लंबा समय लगेगा। मित्रों, तो यदि आपको धातु रोग हैं, जोड़ों के दर्द हैं, कैसे भी शारीरिक समस्याएं हैं, तो आप इस चूर्ण का, इस अखरोट के इस योग का प्रयोग करें, ये आपको बहुत लाभकारी होगा। मित्रों, पर ध्यान रहे यदि आपको इससे चक्कर आदि आ रहे हैं तो समझें कि आपकी देही कमजोरी अधिक है, तो इसका प्रयोग तुरंत बंद कर दें। क्योंकि अधिकांश ड्राई फ्रूट जो हैं वो कभी कभी यदि आपने ऐसे ले लिए हैं तो थोड़े चक्कर आ जाते हैं। हाँ, एक दूसरा इसको उपयोग भी आप कर सकते हैं कि इसको दूध में 1-2 घंटा भिगा दें, फिर आप इसको दूध में मिला के भी पी सकते हैं। आप इस तरीके से भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे ले रहे हैं। और यदि आपको दूध मीठा अच्छा लगता हो तो उसमें आप चीनी ना मिलाएं, आप उसमें बूरा या देशी खांड या धागे वाली मिश्री आती है पीले रंग की, वो मिलाएं, वो आपके दूध का गुण बढ़ा देगी। मित्रों, और यदि आपने चीनी मिलाई तो चीनी में तो केमिकल है, वो आपके दूध के गुण को घटा देगी, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें। और यंग अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। धन्यवाद। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो के विवरण में जो वीडियो है मैंने देखने को बताया उनमें मेरा नंबर है, वहाँ से लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। वंदे मातरम।